लिटरली मैं बच गया बच। Much, much, much later. कि फाइनली वो दिन आ गया। तो गाइस अभी कुछ सीन ऐसा है कि हमको फटाफट तैयार होना है और फटाफट निकलना है। तो चलते फटाफट, सुबह का समय है और मैं लेट रहा हूँ तो ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं करते हैं और पैकिंग करते हैं। तो सारी एक्सेसरी अंदर है, हम इसके अंदर एक ऊपर पूछा चक्कर ले रहे। तो ये मैंने दोस्तों यहाँ पे अपना एचजे कैम लगा लिया, जस्ट आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एचजे कैम रहे। जस्ट आपको दो एंगल देखने को मिलेंगे ना, तो आमने सामने आपके साथ बात करेंगे। ओके, तो बहुत मज़ा आने वाला है। इस एंगल तो मैंने लगा दिया है, बाइक को मैंने साफ सुथरा कर दिया है जितना हो सके, उतना मेरे से क्लीन आउट कर लिया है। अभी आप लोग ये सोच रहे होंगे कि तू कहाँ जा रहा है अपनी बाइक लेके, तो वीडियो कहने पता चली जाए कहाँ जा रहे या दूसरा वीडियो आएगा। तो हाय गाइस, दिस इज अरुण, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फटाफट निकल दे भाई, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। एक कैमरा मैं नहीं ले जा रहा हूँ, अपना गोप्रो या फ़ोन से शूट करूँगा। कैमरा बहुत ही बड़ा है तो सब डर जाते हैं कि बाहर जैसे मैं सिटी के अंदर ब्लॉग करता हूँ, डर जाते भाई वहाँ क्या कर रहा है। तो कैमरा नहीं ले जा रहा हूँ, बहुत ही बड़ा कैमरा है 6D, तो इतना बड़ा लेंस और इतना हाथ भी दुखने लगा मेरा, तो बहुत ही हैवी हो जाता है ये सेटअप। इसको हम नहीं ले जा रहे अपना कैमरा को, ये ही रहेगा, छोटा सा कैमरा लगे सोनी का, तभी ब्लॉग किया करेंगे। अभी चलते हैं। ओके ऑल राइट गाइस, फिलहाल तो मैं निकल रहा हूँ और एचजे कैम बहुत ही ज़्यादा हिल रहा है, तो ऑब्वियसली बात ही है इसमें स्टेबिलाईज गैम्बल स्टेबिलाईजर नहीं है, सेकी फोटेज आएंगी क्योंकि हम इस एचजे कैम में गैम्बल नहीं है गोप्रो की तरह, तो सेकी फोटेज आने वाली है आप लोगों को। तो मैं फटाफट निकल रहा हूँ, ज़्यादा लेट नहीं करते हम लोग। सेट रास्ते बहुत ही दिन के बाद आया हूँ ना, तो भाई ये है मेरे को पता नहीं था कितने गड्ढे हैं इस रास्ते पे। तो मैं बहुत ही ज़्यादा लेट हो रहा हूँ, तो फिलहाल मैं निकलता हूँ क्योंकि लेट हो रहा है, तो मेरे को आपके साथ ज़्यादा बात नहीं कर सकता हूँ, तो मैं आपके साथ ज़्यादा बात नहीं कर सकता हूँ। हमारा एचजे कैम बहुत ही ज़्यादा शेकी हो रहा है, तो फोटोज तो ऑब्वियसली बात है बहुत शेकी आने वाली है। तो भाई साहब ये रास्ता देखो, ये पूरा नाला है टूट चुका था, तो वो एडेड हुई। ओ भाई साहब लिटरली मैं बच गया भाई साहब, मैं लिटरली बच गया। आपने जस्ट आपने शॉट देखा भी, एक तो ये दूसरा गांव आ गया। ओके, ये दूसरा गांव है। और गाइस गोप्रो की बैटरी मेरे को डाउन नहीं करनी है क्योंकि और भी शूट मेरे को करना है। एक तो गांव के अंदर बम बहुत ही ज़्यादा रख देते हुए, तो क्या हो रहा है कि हमारी बाइक को थोड़ा नुकसान हो जाता है भाई। होता है तो दो रखो यार। तो भाई फटाफट चलते हम लोग, ज़्यादा देरी नहीं करते हैं।
लोग देख पा रहे हो पूरा रास्ता खाली है, कोई नहीं है भाई साहब, ऐसे ही मजा आता है ऐसे रास्ते में, कोई नहीं आ रहा है भाई, एक कहाँ मैंने लगा इसको निकालना पड़ेगा और जगह फिक्स करना पड़ेगा। हम तीसरे गांव के अंदर पहुंच चुके हैं, दो गांव क्रॉस किए हमने, इसको भी क्रॉस करते हैं फटाफट पहुंचते हैं भाई हमारी लोकेशन पे। मैं बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया हूँ, आधे घंटे में अपनी बाइक को अपनी लोकेशन में पहुँचा देना है, इसीलिए मैं बहुत ही तेज़ जा रहा हूँ। फिर से एक हाईवे मिल रहा है हमको, ये वाला हाईवे रास्ता आप देख पा रहे हो, मेरे को यही रास्ते पे चलते रहना है। ऐसा सीन बहुत ही हो रहा है मेरे साथ कि ये ट्रक वाला कहाँ घुस गया, ये सारे ट्रक खड़े हुए हैं पूरा, ये वो भी सरदार जी भी लड़ रहे थे, ये भाई क्या कर रहा है भाई, हियर माई लोकेशन पता नहीं कहाँ पे होगा, तो यहाँ पे रुक के पूछते हैं भाई किसी को, अब तक कॉल नहीं उठा रहा है कहाँ पे। तो फिलहाल मेरे को इस तरफ जाना है तो फटाफट निकलते हैं, ज़्यादा लेट नहीं करते हैं। तो भाई लोग अभी सिंह कुछ ऐसा है, तो बाइक मेरा भाई चला रहा है अभी और हमें भरूच के अंदर, और यहाँ पे मेरा वॉइस मतलब कि हमारा जो माइक है वो बिगड़ चुका था, तो हमको वॉइस ओवर करनी पड़ती है हमने एडिटिंग से। ओके तो देखो अभी साइड में ट्रक चल रहा है और आसपास सब ट्रक दिख रहा है आपको, और सिटी है और हाईवे है और ट्रैफिक है, और ट्रैफिक के अंदर मेरे को ट्रैफिक के अंदर बहुत ही दिक्कत हुई थी हमको बाइक चलाने की, हीट हो रही थी और लगातार ब्रेक लगानी पड़ती हमको, तो दिक्कत तो हो रही थी भाई लोग। तो अभी चलते हैं भाई लोग, अभी आगे जाके पता चल जाएगा हम कहाँ जा रहे हैं। ओके तो आगे जैसे आपको मिल रहा हूँ। तो गाइस अभी हम जैसा है गोल्डन ब्रिज के ऊपर, जैसा आप देख पा रहे हो भाई साहब पानी है ना फूल है जैसा, देखो एक बार अभी जैसा गोल्डन ब्रिज के ऊपर है, और अभी पुल बन रहा है, ये भी पुल बन रहा है जैसा आप देख पा रहे हो उस तरफ रेलवे का है, और ये अभी तो बन रहा है भाई लोग ओके। तो फाइनली गाइस बाइक हम आ चुके हैं सर्विसिंग के अंदर, अभी जैसा बाइक सर्विसिंग के अंदर दी है टेस्ट करने के लिए, हमारा ऑलमोस्ट एक साल हो चुका है फर्स्ट सर्विस का, तो ये लोग बोल रहे हैं कि सर्विसिंग इम्पॉसिबल है क्योंकि एक साल हो गया है, एक साल के अंदर तीन सर्विस करनी पड़ती है हमारी बाइक की, सर्विस नहीं की हमने एक साल ऑलमोस्ट हो चुका है हमारी बाइक का, एक भी सर्विस नहीं है, फर्स्ट सर्विस हो गई अभी। तो वो कह रहा था कि सर्विस का कुछ सर्विस होगी नहीं क्योंकि एक साल के अंदर आपको तीन सर्विस मिलती है, वो एक तो करानी पड़ती है आपको, तीनों आप मिस कर लेते हो तो फिर कुछ नहीं। टेस्ट करने के लिए गया तो हो जाएगी सर्विस, तो मेरे को पता है सर्विस तो हो ही जाएगी, टेस्ट करने के लिए गया फिर आपको सारा दिखाऊंगा क्या है सीटों से, अभी आ गया टेस्ट ड्राइव करते हैं सब देखो। बाइक अंडर बाइक सर्विस हो रही है और अंडर नहीं जा रहे थे, तो आज का वीडियो यहीं पे क्लोज करते हैं, अच्छा लगा तो लाइक या सब्सक्राइब करना, मिलता है ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, एंड आएगा इस वाला सर्विस वाला वीडियो भी आएगा और पोल भी खोलेंगे इन लोगों की कि क्या इन लोगों की हरकत रहती है, सर्विस क्यों सर्विस करते देखने क्यों नहीं देते।